ही, आप जितने लोग देख रहे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनके बच्चे अल्लाह उनको देगा औलाद, एक बात मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ, वो ये चीज़ है जिसका नाम है मोबाइल फ़ोन। ये बात मेरी बात गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। 7 साल की उम्र तक अगर मैं ये कहूँ कि आपके बच्चे को इसकी शक्ल भी नज़र ना आए तो ये गलत बात नहीं होगी। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके पास ये चॉइस है कि बच्चे के हाथ में कोयला जलता हुआ रख दें या मोबाइल रख दें, तो आप मेहरबानी करके फौरन कोयला उसके हाथ में रख दें, इसलिए कि ये उससे कम नुकसानदेह है जो कि मोबाइल। ये बात मैं बिल्कुल जज्बाती तौर पे नहीं कह रहा। वो जिनके छोटे बच्चे हैं, इरफान आपकी छोटी बेटी है मुझे मालूम है, 1 साल की है शायद, तो आप उसके ऊपर फौरी अमल कर सकते हैं। और मेरे तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अल्लाह मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन दे, तो मैंने ये तहिया किया हुआ है कि अगर मेरी बात चली और चलेगी इंशाल्लाह तो मैं इस बात पर स्ट्रिक्ट कारबंद रहूँगा। बच्चे को सिर्फ ये देखिए, ये मैं इसको साबित कर सकता हूँ साइंटिफिकली, ये बात इतनी ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि अगर हमने इस बात पर अमल ना किया तो हम अगले 10-15 सालों में एक ऐसी नस्ल यहाँ दुनिया में हो रही होगी जिनको सुइसाइडल टेंडेंसीज होंगी, जिनमें डिप्रेशन होगी, जिनके अंदर एंजाइटीज़ होगी, जो अपने रिलेशंस को नहीं संभाल सकेंगे, जिनको नफसियाती बीमारियां होंगी, जिनको जिंसी बिहेवियर की शदीद बीमारियां होंगी, और वो ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं, और वो माशरे के लिए गैर मुफीद लोग हो सकते हैं। वो इसलिए कि ये जो मोबाइल फ़ोन है, जब आप इसको ऑन करते हैं तो आप ये एक इवेंट क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं माइक्रो इवेंट। और हर इवेंट जो प्लेजर क्रिएट करता है वो हमारे दिमाग में एक केमिकल पैदा करता है जिसे हम कहते हैं डोपामीन। डोपामीन हमारे जिस्म में खुद पैदा होता है, एक अमाइनो एसिड है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, उससे बनता है डोपामीन। और ये ज़रूरी है क्योंकि इसकी बुनियाद पर एक तहरीक पैदा होती है। जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो एक तहरीक पैदा होती है जिससे आप काम करते हैं, अल्लाह पाक ने आखिर किसी पर्पज़ के लिए बनाया है। अच्छा, डोपामीन जो है हर प्लेजर को स्टिमुलेट जिस केमिकल से हम होते हैं ना, वो डोपामीन है। चाहे वो खाने का प्लेजर है, चाहे वो चीज़ों की पोजेशन का प्लेजर है, चाहे वो ड्रग एडिक्शन का प्लेजर है, जैसे आप सिगरेट पी, जैसे आपने चर्स पी, किसी ने खुदा ना खास्ता शराब पी, और या कोई सा भी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है, इन सब के साथ जो है वो एक प्लेजर स्टिमुलेट होता है और वो डोपामीन प्रोड्यूस होता है। अगर आप एक शख्स के साथ, अपने बेटे के साथ 3-4 घंटे बैठ के खेलें और उसके साथ गेंद से खेलें, उसके साथ पहेलियां बुझवाएं, उसको अपने घुटनों पर बिठा के झूला झुलाएं, उसके साथ तितलियां पकड़ें, 3-4 घंटे में जितने इवेंट्स आप क्रिएट करते हैं वो इवेंट एक वीडियो गेम 2 मिनट में क्रिएट कर देती है। और हर माइक्रो इवेंट प्रोड्यूस करता है डोपामीन। अच्छा, लेकिन जब आप अपने बच्चे के साथ फिजिकल इवेंट कर रहे होते हैं तो एक्चुअली प्लेयर से ज्यादा एक और चीज डेवलप हो रही होती है जिसका नाम होता है हैप्पीनेस। और उसके लिए अल्लाह पाक ने एक और केमिकल रखा है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। जब मां अपने बच्चे को गले लगाती है तो बच्चे के अंदर भी ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है और मां के अंदर भी ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। और ये जो ऑक्सीटोसिन है ये हैप्पीनेस का केमिकल है। और मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं, जिस वक्त मां बच्चे को जन्म दे रही होती है ना, उस वक्त उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन की सबसे मैक्सिमम मिकदार होती है, यानी एग्जैक्ट एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, यानी जो बच्चे की पैदाइश का अमल है उस अमल के दौरान एकदम ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, क्योंकि वो कंपैशन, सेक्रीफाइस, मोहब्बत की एक इंतहा है। तो अल्लाह पाक अनाउंस कर रहे हैं कि जब तुम दुनिया में आ रहे हो ना तो तुम्हें हम पैदा ही मोहब्बत में, कुर्बानी में और कंपैशन में कर रहे हैं, यानी कि तुम्हें बनाई लीडर रहे हैं, तुम उस मोहब्बत की फिजा में बाहर आते हो। तो ये ऑक्सीटोसिन हम सब के अंदर पैदा होता है। फर्ज करें एक आपकी बेटी है, वो बेटी किसी और शहर में रहती है और वो 5 साल के बाद आपसे मिलने आ रही है, बड़ी बेटी आपकी, आप मिलने, आपने देखा, आपने मोहब्बत से उसके साथ गले लगे, तो उसके अंदर भी ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा, आपके अंदर भी ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा। आप अपने दादा से मिले, दादा की गोद में बैठे, तो ऑक्सीटोसिन। अच्छा, अब ये जो फिजिकल इवेंट्स हैं ये ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करते हैं, और ये वाले जो आर्टिफिशियल इवेंट्स हैं
ये डोपामीन प्रोड्यूस करते हैं। दोनों में ये फर्क ये है कि डोपामीन जिस रिसेप्टर पर जाकर वो कैफियत पैदा करता है वो टेम्परेरी होता है, और उसके अंदर एक फिनोमेना होता है, वो बिल्कुल ऐसे फिनोमेना है जैसे एक आदमी एक रोटी की बजाय 6 रोटियां खाता है तो उसका पेट बड़ा हो जाता है, अब उसको 6 चाहिए होंगी, 6 खाएगा तो वो और बड़ा हो जाएगा, अब उसको 8 चाहिए, 8 खाएगा तो वो फिर उसको बड़ा, यानी वो आस्ता आस्ता मेदा बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से डोपामीन के जो रिसेप्टर्स हैं उनकी केमिकल इस किस्म का है, समझे, आप समझने के लिए कि डोपामीन का पेट समझ लें, वैसे तो ब्रेन के अंदर बकायदा रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स की तादाद बढ़ जाती है, जब रिसेप्टर्स की तादाद बढ़ जाती है तो जितना डोपामीन प्रोड्यूस हो रहा होता है उससे गुजारा नहीं होता। इस कैफियत का नाम होता है एडिक्शन। जब हम सिगरेट के एडिक्ट होते हैं तब भी डोपामीन मांग रहा होता है हमारे रिसेप्टर्स, जो हिरमन वाले हैं वो भी डोपामीन मांग रहा होता है। और मैं आपको बहुत ही बुरी खबर देने जा रहा हूं, वो ये है कि शायद सिगरेट, शराब और हिरमन से भी ज्यादा जो एडिक्शन छुड़वानी मुश्किल है वो ये स्क्रीन की एडिक्शन है। आपको ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि अगर आप 5 मिनट में 10 सिगरेट पिए, ऐसे कश लगा के, एक सिगरेट खत्म हो तो दूसरी, दूसरी लगाएं तो तीसरी, तीसरी, तो उससे जितनी डोपामीन प्रोड्यूस होती है तकरीबन 2 या 3 मिनट की वीडियो गेम खेलने से एक बच्चे के दिमाग में उतनी ही डोपामीन प्रोड्यूस होती है। लिहाजा जो फिजिकल नुकसान होना है उसका, सिगरेट का, टोबैको का और जो धुएं का और आग का, उसके अलावा जो इमोशनल और जो मेंटल नुकसान होना है वो शायद इस वीडियो गेम का सिगरेट के कष्ट से बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसी सूरत में जो अहम बात यह है कि जब ये डोपामीन बहुत प्रोड्यूस होनी शुरू, अब गौर से सुनिएगा इस बात को, 2 साल के बच्चे को जब आपने इतनी डोपामीन पर डाल दिया, नहीं उसको हिरोइन का आदी बना दिया, अब ये हिरोइन अब ये मोबाइल भी नहीं दे सकेगा, वीडियो से क्या करेगा, कितने जहाज मारेगा, कितने बंदों को कत्ल करेगा, उस जो गोलियों से मार मार के कितनी देर करेगा, लेकिन डोपामीन इतनी चाहिए कि ये प्रोड्यूस नहीं हो रही। अब बच्चे के अंदर एक कैफियत पैदा हो जाएगी जिसको कहते हैं चाइल्डहुड डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है इसी कमरे में एक खातून आई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैंने आपकी बड़ी वीडियो देखी है तो मैं अपनी बच्ची को आपका मिलवाना चाहती हूँ। 5 साल की बच्ची थी, 4 या 5 साल की बच्ची थी। तो मैंने उसको बताया कि मैं प्रोफेशनल काउंसलर हूँ। नहीं जी नहीं, आप मेरी बात सुने, कोई नहीं, आप हमारे भाई हैं। मैंने कहा बेटा क्या अम्मी क्या कह रही हैं, क्या बात है? कहती अंकल मैं बोर हो जाती हूँ। 4 साल की बच्ची, बोरियत तो बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, बोरियत तो बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों के पास तो बहुत एक्टिविटी होती है, बच्चा तो बोर होता ही नहीं है। ये तो बोरियत तो एक बड़ों का अजाब है, लेकिन बच्चों के अंदर वो नफसियाती बोर इसलिए हो रही है कि अब कोई चीज़ उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। जब कोई चीज़ सेटिस्फाई नहीं करेगी, अब मुझे कुछ और चाहिए। देखो बोरियत तब होती है जब आपके पास कोई काम ना हो, तो बच्चों के पास तो बहुत काम होते हैं, उन्होंने तो गुड़िया के साथ खेलना होता है, उन्होंने तो रस्सा कूदना होता है, उन्होंने तो तितलियाँ पकड़नी होती हैं, उन्होंने तो पेंटिंग करनी होती है, उन्होंने तो क्राफ्ट्स बनाने होते हैं, उन्होंने तो दोस्तों के साथ गप्पे मारनी होती हैं, उन्हें तो बहुत कुछ करना होता है, छलांगे लगानी होती हैं, उन्होंने तो फुटबॉल खेलना होता है, तो बच्चों के पास तो बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन वो 4 साल की बच्ची इसलिए है कि उसको ये देकर हमने बाकी तमाम चीज़ों से मफलूज कर दिया है। उस बच्ची के लिए गुड़िया खेलना, उस बच्ची के लिए अपने बच्चों के साथ बैठकर मिट्टी के घर बनाना, वो उसके लिए कोई अट्रैक्टिव नहीं है। अब उसको इससे बड़ी कोई चीज़ चाहिए। और अगली ख़तरनाक बात क्या होगी कि जब बच्चा बोर हो जाएगा और बच्चे की डोपामीन पूरी नहीं होगी और माँ बाप को इतनी तरबियत नहीं है, तरबियत होती तो माँ बाप इस कैफियत तक आने ही क्यों देते। अब बच्चा इस वैक्यूम को फिल करने के लिए कोई ऐसा तजुर्बा करेगा जिसमें उसकी क्लास का कोई बदमाश सा लड़का शामिल होगा या कोई और आउटसाइडर शामिल होगा, जिसमें वो बच्चा ड्रग्स में जा सकता है, क्योंकि बोरियत नहीं है। जब बोरियत है तो कुछ करना पड़ेगा बोरियत को दूर करने के लिए। क्रिमिनल है, कोई चोरी करनी पड़ेगी, 1 व्हीलिंग मोटरसाइकिलिंग करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी। तो लिहाजा जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में तमाम चीज़ें पैसे के गिर्द घूमती हैं। ये रिसर्च छप नहीं रही, ये रिसर्च उतनी ओपनली मार्केट में आ नहीं रही, इसलिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस है मोबाइल का। हर घर के अंदर जिस बंदे ने IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो बनाई थी, तो इंटरनेशनल बिजनेस जिसमें उसने ये कहा था और कि ये जो मशीन है ना, ये सिर्फ दफ्तरों के लिए है, इसका आम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, और इतनी बस मेमोरी काफ़ी है जो कि संभाल लेगी। तो किसी ने कहा कि नहीं, मैंने इस मशीन को हर मेज़ पर पहुंचाना है,
इसलिए उसने इसका नाम रखा डेस्कटॉप, हर डेस्क पर पहुंचाना है। तो अगले ने कहा ये तुमने क्या कमाल किया, मैंने तो हर एक की गोद में पहुंचाना है, तो उसका नाम रखा लैपटॉप। फिर किसी ने कहा लैपटॉप नहीं, मैंने हर एक की हथेली में पहुंचाना है, तो उसने कहा ये पाम टॉप, ये पाम टॉप होगा। और इस पर इक्तफा नहीं है, अब एक ऐसी ऐनक बन रही है जो एक दो साल में आ जाएगी, जिसमें आपकी आंखों पर चढ़ा दिया जाएगा, ये इसकी स्क्रीन आपकी आंखों में है, आपको कुछ और पकड़ने की यहां से आपको नजर आ रहा है, यानी दुनिया में रहते हुए आप दुनिया वर्चुअल दुनिया को देखेंगे। क्या इंसानों के ऊपर अजाब आने वाला है, इंसानी वर्चुअल पर क्या अजाब आने वाला है। तो इसलिए मेरे बहुत ही प्यारे बेटों बेटियों, अगर बच्चियां भी देख रही हैं, और मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, और मैं अपनी जिंदगी पर मैंने इसको कुछ दिनों से नाफिज किया हुआ, बताऊं कि मैंने क्या किया। मैं तो बड़ा हो गया हूं, पता नहीं जो नुकसान होना था। मैं सुबह मैंने तहिया किया हुआ है कि मैं सुबह उठकर इस मोबाइल को नहीं देखूंगा। मैं फजर की नमाज, थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद, मैं जब 10 बजे अपने काम पर आता हूं तो उस वक्त मैं इसको पहली दफा खोलता हूं, और खोल के मैं अपनी ईमेल वगैरह सब कुछ देख दूं, कि या व्हाट्सएप जो भी कुछ करना करके बंद करता हूं। फिर मैं ये कहता हूं कि मैं 4 घंटे के बाद दोबारा देखूंगा। अभी मैंने कुछ 4-4 घंटे के वक्फे पर मैं ले गया हूं इसको, लेकिन मैं इंशाल्लाह हुजीज इसको और भी इसे जान छुड़ाने की कोशिश करूंगा। और अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं बगैर किसी शर्माए ये बात बताता हूं, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, बार बार मेरा हाथ ऐसे जाता है। आपसे भी गुजारिश है कि आप ये तजुर्बा करके देखें, एक दिन पूरा 24 घंटे, हफ्ता और इतवार आने वाला, इतवार और सोमवार कर लें, कल परसों 2 दिन आप इस मोबाइल को हाथ में लगाएं, और अगर आपको यह लगने लग जाए कि ऐसे लग रहा है जैसे मेरा छोटा भाई गुम हो गया या मेरा बच्चा गुम हो गया, और यह आपको कैफियत हो रही है और बेचैनी आ रही थी, इसका मतलब है कि हम मोबाइल से अडिक्ट हैं। और अगर मोबाइल से अडिक्ट हैं तो मेहरबानी करके, जिस तरह सिगरेट या हेरोइन से एडिक्शन या ड्रग से एडिक्शन से जान छुड़ानी होती है, इसी तरीके से इसको छुड़ाने के लिए कुछ कीजिए। यह तो खैर बड़ों के लिए है, मैं बच्चों के बारे में आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगली नस्ल तबाह हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। ये मेरी बात लिख लीजिए किसी जगह पर, मैं बहुत ही दुख के साथ ये बात कर रहा हूं कि पता नहीं मुआशरे के बड़े लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि जिस तरीके से हम स्क्रीन से अपने 7 साल से कम उम्र बच्चों का नुकसान कर रहे हैं, अगले 20 साल के बाद आपको मुआशरे में डिप्रेस्ड लोग नजर आएंगे, एंक्शस लोग नजर आएंगे, खुद पसंद लोग नजर आएंगे, जिनको अपनी जात के अलावा किसी जात की कोई फिक्र ना होगी। ये इतनी खतरनाक चीज है, इस कदर ज्यादा खतरनाक है 7 साल की उम्र से पहले पहले बच्चों को स्क्रीन देना। उसके बाद जरूरियात हैं, मसलन इंफॉर्मेशन के लिए ऑब्वियसली इसकी जरूरत है। आप में से बहुत से लोग मोबाइल से ये हमारी बात गुफ्तगू को सुन रहे हैं, मोबाइल से रिकॉर्ड हो रही है, इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है, इसीलिए यानी कम्युनिकेशन के लिए ये ठीक है, इस रास्ते के जरिए से आप कम्युनिकेशन से बहुत तरक्की कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के अलावा किसी और पर्पस के लिए स्क्रीन को इस्तेमाल करना बहुत